हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि अगर आप किसी को ब्लॉक कर दिए इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो बंदा आपको कहता है प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो, लेकिन आप उसे अनब्लॉक कैसे कीजिएगा, ये आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे अनब्लॉक कीजिएगा, कहाँ पर वो सेटिंग है जो आपको वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे जितने बंदे को आप ब्लॉक कर चुके हैं सारे बंदे आपके सामने आ जाएंगे। आपको जिसको जिसको मन होगा उसको अनब्लॉक कर दीजिए, बाकी को रहने दीजिएगा। वो ब्लॉक के लायक ही है, उसको ब्लॉक ही रहने दीजिए। लेकिन हाँ, आपको पता जरूर चल जाए किसी उसको कैसे ब्लॉक कर दिए तो कैसे अनब्लॉक कर दिए, ठीक है, ये जानकारी हो जाएगा। तो आप किसी टाइम किसी को ब्लॉक कर दीजिए, किसी का टाइम किसी को अनब्लॉक कर दीजिए। चलिए होम स्क्रीन की ओर आपको लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे उसको अनब्लॉक करना है, ठीक है। चलिए, तो ब्लॉक करने के लिए पहले तो आपको चलना होगा इंस्टाग्राम पे। चलिए इंस्टाग्राम पे चलते हैं और आपको बताते हैं किसे कैसे बारीकी से बताता हूँ कैसे उसको करना है। इंस्टाग्राम पे चलते हैं, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे टिक लगा देते हैं, लग गया है टिक। आप यहाँ प्रेस कर दिए हैं तो आगे आ जाइए, और आगे आ जाने देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाता है। लेकिन ऐसा में आपको पता नहीं है किस किस को ब्लॉक की है, चाहे कोई भी हो जानते भी उसको ब्लॉक किया, लेकिन उसको कैसे खोज के कीजिएगा उसको अनब्लॉक। तो आपको एक सेटिंग में जाना होगा, ठीक है, आपको अपने इस प्रोफाइल में जाना होगा, ठीक है, इस प्रोफाइल में जाइए आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रेस किए, यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, प्रेस कर देखिए आप अपने प्रोफाइल में इस तरह आ जाते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोफाइल में इस तरह आ जाने के बाद आपको ऊपर थ्री लाइन का बिंदु दिखाई देता है जिस पर प्रेस करना होता है, देखिए ये रहा ना, यहाँ पे आप प्रेस कीजिए। चलिए हम प्रेस कर दिए, प्रेस कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो आपको सेटिंग का ऑप्शन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। चलिए यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर प्रेस कर देने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने आ गया है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, नीचे स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आना है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा जो यहाँ पे आराम से लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ब्लॉकेड। यहाँ ब्लॉकेड पे आपको प्रेस करना, ये रहा ब्लॉकेड, ठीक है। चलिए ब्लॉकेड पे हम प्रेस करते हैं, कहाँ गया, हाँ ब्लॉकेड पे प्रेस कर दिए। यहाँ पर जब हम प्लेस कर देते हैं तो देखिए जितना सारे बंदे को हम ब्लॉक किए हुए वो सारे बंदे यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, यानी सारे बंदों को मैं देख सकता हूँ किस किस को ब्लॉक कर चुका है। देखिए इलिप्स यादव हो चाहे जो भी हो, सारे बंदों को मैं ब्लॉक कर चुका था। इस सबको बंदों को मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शॉट एक ले लेता हूँ थंबनेल के लिए, जो आपको थंबनेल के ऊपर दिखाई देगा, ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये तो हो गया। इसको अनब्लॉक करने के लिए कोई एक बंदे पर हम क्लिक करिए तो आपको चेहरा लगाने के लिए दिखा दिए। इस बंदे पर क्लिक करते हैं, इलिप्स यादव पर, ठीक है। चलिए इलिप्स यादव प्रेस किए, इलिप्स यादव पर प्रेस करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। नीचे आता है कैंसिल का और ऊपर आता है अनब्लॉक का, तो हमको इस पर प्रेस करना है अनब्लॉक पे। तो अनब्लॉक पे हम पहले प्रेस करते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं, यहाँ प्रेस कर, ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने का देखिए ये यहाँ से गायब हो चुका है, यानी अब वो हमारे सर्च आर्ट में सब चीज़ में वो आएगा, वो हट चुका है हमारे ब्लैक लिस्ट से, उसको हटा दिए हैं, और उससे जो भी उसका मैसेज तैसे सब हमको आएगा, ठीक है। और इधर से जो भी भेजेंगे उसको चला जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो अपने चैनल पर हम डालते रहते हैं। आप विश्वास को नहीं हुआ तो आप हमारे चैनल को जाकर देख लीजिए, हमेशा मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।